नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो में। दोस्तों, आपके भाई की बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस साल 4 जुलाई को शुरू हुआ सावन 31 अगस्त को खत्म होगा। दोस्तों, इस बार का सावन पूरे 2 महीने तक रहेगा जिसमें पूरे 8 सोमवार पड़ेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा शुभ संयोग काफी सालों बाद बना है जिसमें पूरे 58 दिन तक महादेव की उपासना की जाएगी और इसको लेकर कांवड़ियों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि इस साल की कांवड़ यात्रा अनहोनियों में बदल रही है। कहीं कोई एक्सीडेंट का शिकार हो रहा है तो कहीं कोई नदियों में डूबकर मर रहा है। दोस्तों, इस सावन में घट रही इन्हीं घटनाओं के बीच एक ऐसी घटना भी घटी है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, ऐसे में सभी का सिर्फ यही प्रश्न है, क्या इस साल सावन में कुछ अनहोनी होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको कांवड़ यात्रा के दौरान घटी जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर क्या है वो बुरी घटना जो देश भर के शिव भक्तों को एक बुरी खबर लाई है। तो जानते हैं दोस्तों कि क्या है वो पूरी कहानी। अगर आप भी शिव भक्त हैं और कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे हमारा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय भोले लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कटिहार के काला कोड़ा गंगा घाट में सावन के पहले सोमवार को हुआ एक बड़ा हादसा। यहां 4 लोगों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। सावन महीने के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालु कोढ़ा प्रखंड के खेरिया गांव से लोग गंगा स्नान के लिए आए थे। श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे तभी एक बच्चे के डूबने की खबर मिली। डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए वहां उपस्थित बाकी के लोग नदी में कूद पड़े और उन लोगों में से देखते ही देखते 6 लोग डूब गए। वहां उपस्थित नाविकों ने 2 लोगों को तो बचा लिया पर 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा सभी लोगों को बरारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। वहां डॉक्टर ने 4 लोगों को मृतक घोषित कर दिया। मरने वालों में शिवम कुमार जिनकी उम्र 15 वर्ष, इनके पिता का नाम तरुण दास था। दूसरा नंबर मोहन दास उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम रतन दास। तीसरा हर्ष कुमार उम्र 14 वर्ष, पिता का नाम संजय दास। और चौथा पप्पू कुमार जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई गई है। और सभी मृतक कोड़ा गांव खेरिया के रहने वाले थे। फिलहाल सभी मृतकों के शरीर को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। उधर बरारी सीओ ललन कुमार मंडल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे जिले में मातम फैला हुआ है और जो लोग दुनिया से गए हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सावन के पहले सोमवार पर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से भी एक बड़ी दुखद खबर आई थी, जहां बजीरगंज थाना क्षेत्र में ब्यूली गांव के पास मुरादाबाद फरुखाबाद हाईवे पर कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़िये सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में नरेंद्र नाम के कांवड़िये की ऑन स्पॉट मौत हो गई और रविंद्र नाम का कांवड़िया घायल हो गया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पहले सोमवार को सुबह के 4 बजे कांवड़ लेकर कचड़ा गंगा घाट से वापस लौट रहे थे कांवड़िये। इसी बीच दूसरी ओर से आ रही मोटर बाइक से टकरा गए कांवड़िये। दोनों की टक्कर होने के बाद दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने नरेंद्र नाम के एक कांवड़िये को मृत घोषित कर दिया और रविंद्र नाम के कांवड़िये को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनके और साथी कांवड़ियों ने बताया कि नरेंद्र और रविंद्र अपने जत्थे से बिछड़ गए थे, इसी कारण उनकी बाइक अपने साथियों से पीछे रह गई जबकि और कांवड़िये अपनी बाइक से आगे आ गए थे। हालांकि दुर्घटना की खबर लगते ही बाकी साथी कांवड़िये वापस लौट आए और मौत की खबर लगते ही उनका परिवार भी जिला अस्पताल पहुंचा और युवक की खबर लगने के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। तो दोस्तों, इस तरह रहा सावन का पहला सोमवार, यानी सावन की शुरुआत भी खतरनाक तरीके से। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय भोले लिखना
ना भूले, कमेंट में जय भोले जरूर लिखें। जय भोलेनाथ।